भाई बंदे ने कॉल किया कि यार बंदा बोल रहा है कि चलो यार मैं पास वाली दुकान पे रख दूंगा, आप जब भी आओ ले जाओ। मेरा सेकंड वाला पार्सल है ना ये वाला है, और इसको ना मैं आगे जाके ही ओपन करूंगा। लास्ट में वीडियो लास्ट में बने रहना। ये खोलने का, और ये इसको खोलना पड़ेगा। इसके लिए अभी मेरे को खोलने का एक्सेसरीज नहीं है, बट घर जाके ना मैं इसको दे दो। ये वाला देखो पटाखे दे, क्योंकि यहाँ भाई काम चल रहा है ना यार, यहाँ दिवाली लगा रहे तो सारा मिट्टी ना यहाँ फेंक रखा पूरा नीचे आ गया यार। और देखते हैं यार, निकाल लूँगा नहीं तो साफ करना पड़ेगा। थोड़ा गाड़ी गर्म हो गई, अब निकालते हैं ज़रा। अरे 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 तो चलते हैं यार। कुमारहट्टी का बन रहा था ना मेरा प्लानिंग, बट ऊपर लेना टिकर में जाके पता लगेगा कि कुमारहट्टी जाना है या नहीं जाना, क्योंकि यार काम टाइम काफ़ी ओवर हो चुका है। तो यार मैं पहले फ़ोन करूंगा बंदे को, अगर उनका जो है ना जहाँ में मैंने सामान रख रखा ना फ्लिपकार्ट पे, अगर फ्लिपकार्ट खुला होगा ना तो वो बता देगा कि यार खुला है या नहीं। अगर बंद होगा तो फिर नहीं जाऊँगा मैं, जाके कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल जाऊँगा मैं, आज तो मैं मेहमानी जा रहा, कल उधर ही से आऊँगा फिर मैं, तब जाके सामान लेके जाऊँगा अपना। तो आगे के चलते हैं आगे की ओर। सर्दियों में ना भाई बाइक चलाना भाई बहुत ही मुश्किल है यार, बाइक हाथों में ना भाई बहुत ठंड। अभी तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ, अभी तो दिसंबर में देखो भाई ठंड तो, बट अभी भी ना भाई बाइक राइड करने में मज़ा नहीं आता यार, जो गर्मी में होना। ग्लव्स यार अभी बैग में तो है, बट इतना ठंडा तो है नहीं, बट थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है, क्योंकि यार सर्दी है तो ठंडा ही होना ही है। और फाइनली हम लोग अपने नाटिकर पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ा सा आगे जाके ना थंबनेल के लिए एक दो मैं पिक्चर शूट कर लेता हूँ, बिकॉज थंबनेल के लिए चाहिए होता है यार। तो भाई बंदे ने कॉल किया कि यार बंदा बोल रहा है कि चलो यार मैं पास वाली दुकान पे रख दूंगा, आप जब भी आओ ले जाओ। बट जब भी हो तो यार कल क्यों जाना, अभी जाके मैं पार्सल लेके आता हूँ। और तब नैना टिकर में रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं सीधा ही कुमारहट्टी जाता हूँ, क्योंकि यार इस वाले रोड से ना मैं नहीं आता। अगर पहले वो कॉल चक लेता ना, मैं उधर से ही चला जाता, वहाँ जहाँ मेरा कमरा है ना वहीं से निकल जाता उधर आगे को। बट कोई ना यार, यहाँ से भी लोग तो लोग हैं, बट यार हाईवे है यहाँ पर, उधर से थोड़ा शॉर्ट था, बट वहाँ पर ना ऑफ रोड था ज़्यादा, तो कोई नहीं, नो टेंशन यार, चल देंगे। क्योंकि मैंने तो यार कल भी लेना है पार्सल, तो लेना ही लेना है, कल भी जाना पड़ेगा, इससे बड़ी आशा है कि ठीक है आज ही चला जाता हूँ। लगाओ यार, क्योंकि ना ये देखो यार इसका ना ये भी यार, बस भाई बाइक में बहुत सारा काम है यार, भयंकर। फ्लिपकार्ट ये तो बंद है भाई जी। फ्लिपकार्ट ऑफिस यही है ना, फ्लिपकार्ट ऑफिस। अच्छा मतलब चेंज कर दिया जगह, कहाँ कोई आपको पता है? अच्छा भाई, ये तो यार चेंज हो रखा भाई जगह यार, मेरे को पता ही नहीं था यार। हेलो, जो पुराना वाला था ना वो नहीं है वहाँ पे, जो नया वाला है वो कहाँ पर है? नया वाला पेट्रोल पंप के पास आप कहाँ हो? अच्छा, कोई नहीं, उधर ही आ रहा मैं। हाँ उधर ही है जो नया खुला है। अच्छा ओके। अरे जो माचिस गन बने थे कुछ तो उनसे थे। हाँ क्या बनते, नाम क्या होती, इसका नाम बंदूक है? अच्छा कैसा वाला होता, कैसा होता है वो? अरे मैंने नहीं चला रखा यार, जिसमें ना भैया ना वो गोली डालते हैं ना, जब गोली डालने के जैसा होता है वो पटाखा डालते हैं वो वाला है। अच्छा दे दो, बड़ी क्या छोटी दे दो, ये वाला दे दो, पटाखे दे दो। कितने का पड़ेगा एक पैकेट, कितना होता है इसके अंदर? तीन चार होते हैं, तीन दे दो। कितने भाई ये? 70।
भाई बंदे ने बताया था फ्लिपकार्ट ऑफिस इधर ही को है, बट मेरे को उतना पता नहीं है, पता करना पड़ेगा यार। पहले तो मैं पेट्रोल भरता हूँ भाई 300 का। भाई फ्लिपकार्ट ऑफिस कहाँ पे होगा? यही कहीं है ना? हाँ नहीं यही कहीं बता रहे थे ना, उधर तो पुराना है। अच्छा अच्छा थैंक यू। क्रिश अमेजोन का यहाँ छोड़ा होगा ना पार्सल? पेमेंट हो रखी है? कैश ऑन डिलीवरी अभी देना है। चलो यार पार्सल भी ले लिया मैंने। और भाई चलते हैं फिर वापस कुमारहट्टी की ओर। भाई ठंडा इतना है ना भाई, क्या ही बताएं यार, बहुत ठंडा है यार। जहाँ पर जैसे पालने साइड ना धूप है ना, ऐसे में तो ठंड लगती नहीं है, बट जैसे वाले साइड इधर है ना धूप चली गई, ऐसे में ना बहुत ठंड लगता है यार, बहुत ही ज़्यादा यार। और जो मैंने पार्सल ला रखा ना भाई, जो हेलमेट माउंट बता रहा था मैं, उसको ना कहीं अगर धूप मिलेगी ना तो वहाँ पर मैं उसको खोलूँगा, देन फिर यूज करके देखूँगा मतलब कितना, मतलब जो अभी मैं बना रहा हूँ उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो फाइनली ये जो बैग ये है मेरा माउंट का, इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, देन फिर यूज करके देखेंगे कि मतलब डिफरेंट क्या मिलता है जो मेरे पुराने वाले हेलमेट माउंट में और इसमें, तो डिफरेंट क्या होता है। डिफरेंट होगा ही थोड़ा बहुत, इसलिए तो मैंने मंगा रखा है, डिफरेंट नहीं होता तो फिर मैं क्यों मंगाता है। और सेकंड हमारा दूसरा पार्सल ये मेरा सेकंड वाला पार्सल है ना ये वाला है, और इसको ना मैं आगे जाके ही ओपन करूँगा लास्ट में, वीडियो लास्ट में बने रहना, तो मैं लास्ट में ओपन करूँगा क्योंकि इसका अभी यूज़ नहीं है ना। और जो ये मेरा हेलमेट माउंट है इसका तो यूज़ है, तो इसलिए मैं खोल रहा हूँ इसको, तो खोलना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसा है। फाइनल मैंने ओपन कर दिया और ये है हेलमेट माउंट। पहले वाला मेरे इस टाइप में था और भाई इस वाले टाइप में तो लगेगा, इसमें लगाने कोशिश करूँगा, अगर नहीं लगता फिर मैं अलग से लगाऊँगा। तो इसमें थोड़ा ना ये स्टेप बढ़ाना है बस, बाकी तो कुछ नहीं है। तो जो ये ना भाई ये इस टाइप में था, तो ये ना अभी फिक्सिंग नहीं होगा क्योंकि मेरे पास ना ये जो ये खोलने का और ये इसको खोलना पड़ेगा, इसके लिए अभी मेरे को खोलने का एक्सेसरीज नहीं है। बट घर जाके ना मैं इसको वो भी दिखाऊंगा कि आप लोगों को किस टाइप का मतलब लगा ये, क्योंकि ना ये स्पेशली ना इसके लिए नहीं है, ये यहाँ साइड के लिए है। तो ये था इसका चिपकाने का, सो इसका तो चलो मेरा काम का ही था क्योंकि मेरे बाइक के ना इसमें आगे मैं लगा दूँगा और दूसरा कैमरा लगाने के लिए, तो कोई टेंशन नहीं है, इसको घर में जाके मैं लगा दूँगा फिर दिखा दूँगा। क्योंकि मैंने सोचा था ना यार कि ऐसे निकल जाएगा, बट नहीं निकलेगा, इसके लिए मैं खोलने के लिए चाबी चाहिए, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं प्लास और चाबी इसके लिए, तो घर जाके करूँगा मैं इसको ना सेटअप, तो दिखाऊँगा आप लोगों को वीडियो बना के कैसा बनता है। तो चलते हैं गाइस। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर पर और मैं करने वाला हूँ इसको अनबॉक्सिंग, बोला था मैं लास्ट में करूँगा, तो करते हैं अनबॉक्सिंग, तो देखते हैं भाई इसमें क्या है। यह है अमेजोन की तरफ से मैंने मंगवाया था भाई पार्सल, और इसको करते हैं भाई ओपन, इसको खोलो यार। तो भाई मैंने ना ऑनलाइन से ना ये मंगवाए थे भाई, तो ये थे भाई मतलब जो मेरे पार्सल थे, ये एक हो गया, ये दो, और जो मेरा हेलमेट माउंट के साथ, ये तीन आइटम मैंने मंगवाए थे, तो मैंने इसको अनबॉक्सिंग कर दिया है। तो भाई ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी लिए बाय बाय, टेक केयर।